बस। हाँ यहाँ देखते हैं आपकी हालत। हाँ अभी तो अभी हम जाने वाले हैं त्यून जहाँ पर की माता सुमनी का मंदिर है, जो कि आप दिखा सकते हो ऊपर, वहाँ ऊपर है टॉप पे। अभी तो अभी हम कुल्लू से निकले हैं, हमारे को 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं बाइक पे। तो इसके बाद अभी हम पैदल जाने वाले हैं, क्योंकि रास्ता पे बीच में जो रास्ता ख़राब हो गया था, अभी आप वहाँ पर एक नाला था, उसकी वीडियो भी आप आगे देखेंगे जाते समय, हम अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप नीचे देखते हैं, यहाँ पर हम नंगे पैर चल रहे हैं। तो अभी रोड की हालत कुछ ऐसी है, तो चलिए मिलते हैं अभी कुछ मिनट बाद। अभी कम से कम अभी ऊपर पहुँच रहे तो हमारा कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर गए। अभी नंगे पैर तो आराम आराम से चलेंगे, अभी हमें इतनी बड़ी नदी क्रॉस करनी पड़ेगी यहाँ के जा रहे भी, और यहाँ के मैं तो चला जाऊँगा, तू देख ले। अब हमें यहाँ पे कृष्ण बनना पड़ेगा। संत बड़ी कसम से श्रद्धालु लोग देखते यहाँ पे नंगे पैर। अभी हमें जाना उस पहाड़ी के ऊपर, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की ओर। अभी यहाँ से ऊपर 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 मंदिर तक जाना है, तो रोड की हालत है बिल्कुल खस्ता खराब। अभी हम पहुँच चुके हैं करीबन, अभी हमें आधा कर घंटा लग जाएगा ऊपर, आधा घर या 1 घंटा पहुँचेगा। लेकिन अभी पहुँच चुके हम माता श्री देवी पुणे जी, यहाँ पे लिखा हुआ है गिड़कन पॉट 200 मीटर दूर है यहाँ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है माता जी का प्राचीन मंदिर दूर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अभी ऊपर जो खड़ी चढ़ाई आपको दिख रही होगी, अभी रास्ता तो हमारे को पता नहीं है वहाँ। और उसके बाद यहाँ पर डायनासोर, जो कि लग वैली की फेमस जगहों में से एक है, वो यहाँ से है 35 किलोमीटर दूर। जर्नी शुरू, यहाँ से भी हमें जाना है 2 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पहला पुल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुबह सुबह हम यहाँ से आए हुए हैं, हम घर से करीबन 5 बजे निकले थे, तो अभी समय हो चुका है 7:07। तो अगर आप कुल्लू से आना चाहते हैं तो कुल्लू से यहाँ तक आने में लगेंगे आपको करीबन 3 घंटे। हमारा घर जो है, गांव जो है, थोड़ा यहाँ से नज़दीक था, तो चले बने रहे हमारे इस वीडियो में। यहाँ पर सेब वाले बूटे, सेब ही सेब है चारों तरफ, सेब ही सेब। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सेब, क्योंकि जो त्यून है वो बहुत हाइट जगह है, इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं सेब ही सेब है। यहाँ चाह रहे हम चारों हाथ पैर से, ये आप देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अरे तो हमारा दिल ही जानता हम कैसे आ रहे हैं, तो हमारे को सिर्फ नीचे देखते आप, हम नीचे नदी से यहाँ ये रास्ता दिख रहा है। अभी हमारे को आधा घंटा हो गया चलते चलते, पैरों की बुरी हालत हो चुकी है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने आधे सफ़र पर, तो नीचे नदी के वहाँ पुल के वहाँ से चलते चलते हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो अभी आधा सफ़र पूरा हो चुका है, इतना ही अभी थोड़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ग्राम पंचायत मानगढ़ हो चुका है शुरू। तो यहाँ पर है विश्राम स्थल, अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, धूप निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पर ग्राम पंचायत मानगढ़ द्वारा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से अब रहा है मात्र 20 से 25 मिनट का सफ़र। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 10-15 मिनट का सफ़र आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर बस हम जो आपको दिख रहा है ऊपर चोटी, यहाँ पर ही हमें अभी जाना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ यहाँ पर, तो हम जो है यहाँ पर इतना अच्छा ग्राम पंचायत नालगढ़ द्वारा, क्या था नाम, इतना बढ़िया बनाया गया, लेकिन क्या करें हम हैं पहाड़ी लोग, हम शाह करेंगे तो हम करेंगे थोड़ी पर ही। यहाँ पर गंद जो फेंका होता है, यहाँ पर आने वाले लोगों ने, यहाँ पर हमारा फौजी भाई उठा रहा है, हमारे देश को साफ करने की पहल हमारे इलाके हमारे गांव से ही शुरू होती है। जिससे अभी इनसे प्रेरित होकर सोनिया जी भी यहाँ पर कुछ योगदान दे रही है, तो हम भी देते योगदान, लेकिन हमें जूते उठाने को है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सामान है ऊपर। अभी आप देख सकते हैं हमारे को 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ से चलते हुए नीचे से। तो अभी हम बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी यहाँ ऊपर गांव है, और अभी हमें
गांव से आगे जाना है हमें, अभी 10-20 मिनट और आगे है। आप देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है व्यू, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी हम कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पर लिखी गई है सूचना, जय माता श्री देवी फुंगणी तीउन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखते हैं खुद पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं। आप पॉज कर, वीडियो पॉज करके देखते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से होती है शुरुआत तीउन गांव की। देखते आप ये है, वो भी आप देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर खेत में हल लगा रहे हैं लोग, देखते हैं आप। तो ये अभी देखते हैं, ये दिव्या जी क्या बोलते हैं इसको, मणाम बोलते हैं इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में, मधुमक्खी। यहाँ पर मधुमक्खियों के लिए घर बनाया गया है, जो कि फ्लावरिंग टाइम फिर हमारी हेल्प करती है। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, यहाँ देखते हैं आप एक और है यहाँ पर। तो आप देखते हैं यहाँ पर पुराने ज़माने के लकड़ी के घर, उस टाइम जो ऐसे स्लेट्स होते थे, पॉट्स, हम इन्हें अपने लोकल लैंग्वेज में पॉट बोलते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े ये नहीं होते थे। तो उसमें हम घर जो बनाते थे वैसे लकड़ियों के होते थे, जिनकी छत भी पूरी तरह से लकड़ियों के फट्टे से बनी होती थी। आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी जगह पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, टोटली यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर लकड़ी से ही छत बनाई गई है, जो कि ऐसे अगर आपको भी उंगलियों पर गिनने को मिलेंगे पूरी अलग वैली में, एक दो घर ही बचे हुए हैं, ये करीबन करीबन 300-400 साल पुराना हो सकता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, तो आप देखते हैं। तो रखते हैं अपने जूते को यहीं पर बाहर, तो आप देखते हैं मंदिर, तो ऐसा है यहाँ का व्यू। मंदिर अभी आपको दिखाएंगे अंदर जाके। अभी मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाऊंगा चारों तरफ से कैसा दिखता है। चलिए अब चलते हैं घर की ओर। तो अभी समय हो चुका है यहाँ से घर जाने का, तो अभी यहाँ से घर पहुँचने में लगेंगे हमारे को 3 से 4 घंटे का सफर। हम नीचे को रोड की ओर, रोड तो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, रोड यहाँ से क्रॉस करके उस पहाड़ी के पीछे है। तो अभी आप देखते हैं कुछ ऐसा है यहाँ पे, रोड जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं वापस ऊपर, उस पहाड़ी से आए हैं हम। अभी यहाँ से है 1-1.5 घंटे की बाइक। रोड की हालत अभी आपको दिखाएंगे कैसी है रोड की हालत। रोड की हालत बिल्कुल खराब है। यहाँ पे रोड के साथ साथ हमारे जूतों की हालत खराब हो चुकी है। Inte gör du kan som där med mig. जाने वाले हैं घर। तो बस अभी रोड थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इसके आगे वाली वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ठुमरी माता के मंदिर ज़रूर आएँ। तो